मैं महिमा सूद आप सभी का स्वागत करती हूँ। बॉलीवुड में वैसे तो कई एक्टर हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया है, लेकिन बहुत कम समय में बी टाउन में एक खास जगह बनाना कोई मामूली बात नहीं है। जिस नाम को कोई जानता तक नहीं था, आज उसी एक्टर ने बॉलीवुड में अपने नाम का डंका बजा दिया है। किसी भी पावरफुल रोल के लिए आज सबसे पहले उसी एक्टर का नाम दिमाग में आता है। उरी से अपने करियर को उड़ान देने वाले विकी कौशल को कौन नहीं जानता है। उनकी दमदार एक्टिंग से तो पूरा देश वाकिफ है। अब एक बार फिर विकी अपनी एक्टिंग के एक अलग पहलू को सामने लेकर आने वाले हैं। वैसे तो आपने विकी को फौजी अवतार और मनमर्जियां वाले जिद्दी आशिक, संजू में विकी की दोस्ती, सब कुछ देखा है, लेकिन अब विकी आपको डराने आने वाले हैं। जी हाँ, विकी कौशल अब अपनी आने वाली फिल्म में भूत बनकर डराने आ रहे हैं। विकी जल्द ही हॉरर फिल्म में भूत बनकर नजर आने वाले हैं। हाल ही में इसका पहला पोस्टर जारी हुआ है। फिल्म को भानु प्रताप डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म भूत के पोस्टर को देखने के बाद से ही फैंस में इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है। फिल्म के पोस्टर की बात की जाए तो इसमें विकी खिड़की से चीखते हुए नजर आ रहे हैं और उनके फेस को भूत ने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। पोस्टर तो वाकई डरावना है। अब फिल्म के टीजर और ट्रेलर का फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। अपनी फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए विकी ने लिखा है कि डर की दुनिया में खो जाओ। इसी के साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी सामने ला दी है। ये फिल्म 15 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर सबको डराने आएगी। ये विकी की पहली हॉरर फिल्म है। इससे पहले विकी ने कभी हॉरर फिल्म में काम नहीं किया है, इसलिए विकी कौशल के लिए ये फिल्म एक नया एक्सपीरियंस होने वाली है। इस फिल्म में विकी के साथ भूमि पेडनेकर भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं। एक्टिंग के मामले में दोनों ही एक्टर्स बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा चुके हैं। वैसे विकी के साथ साथ ये फिल्म करण जौहर की भी पहली हॉरर फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को शशांक खेतान और करण जौहर मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। इतना ही नहीं, डायरेक्टर के तौर पर भी ये भानु प्रताप की पहली फिल्म है। विकी कौशल को लगता है कि भूतों से प्यार हो गया है, क्योंकि विकी इस फिल्म के अलावा भूल भुलैया 2 में भी नजर आने वाले हैं। फिलहाल विकी कौशल उधम सिंह की बायोपिक की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।